पीछे का थोड़ा सा। मार्केट से आने के बाद हो रहा है शाखा पलो पहनाने का रस्म, और हाँ भाभी बस उसी तरीके से है, साड़ी वगैरह नहीं पहनी है क्योंकि मार्केट से आए एंड जस्ट बैठ चुके हैं यहीं पे इसी वजह से, और बस शाखा पहना रहे हैं। शाखा पहनाने के जो सॉफ्ट वाला होता है ना वही पहना रहे, घर पे आकर पहनाते इस तरीके से, एंड जो विधि वगैरह होता है वो करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैंने वो पूरा वीडियो किया, आप लोगों से शेयर करें ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, और हाँ थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बैंड पार्टी का जो नॉइज होता है वो आ रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिए, एंड मैंने इसलिए दिया हुआ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, बोरिंग फील ना हो इसी वजह से। तो इस तरीके से कुछ पूजा वगैरह करते हैं। शाखा पाला जो है पहन लिए है, और हाँ जो शाखा पाला पहनाए ना उन्होंने समझा रहे हैं, जो सबसे पहले नीचे प्रणाम कर लो जहाँ पे तुम बैठ के शाखा पाला पहनी हो वहाँ पे, एंड उसके बाद जाओ पूजा रूम प्रणाम करना, और पूजा रूम में प्रणाम करने के बाद घर में जितना भी कोई बड़े हैं उसको सबको प्रणाम कर लेना, एंड भाभी के प्रणाम करने और नीचे जो बाबू ये मतलब भैया की बेटी है, और उसके बाद आगे बाहर में और इधर है भैया बाबू के गोद में लेके, एंड उधर से जो मेरे छोटे वाले भैया आ रहे हैं, बाबू डांस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ताकि अच्छे से दिखाए पड़े। ये जो आई है वो मेरे बहनियों में आई, एंड भैया का फ्रेंड आ रहे थे अभी, एंड उसके बाद जो है सबको बाहर में प्रणाम की, भाभी जो भी घर में जितना भी कोई बड़े हैं सबको प्रणाम कर लेते हैं, पंडित जी जो पहनाए तो वही बताए थे सबको प्रणाम करो, तो घूमू में सबको कर रही है प्रणाम, एंड उसके बाद इधर से आ रही है दीदी, बड़ी वाली दीदी आ रही है, एंड जस्ट अभी अभी पहुंची ही है दीदी, एंड तो उसको भी प्रणाम की है, एंड भैया को भी बोल रहे थे प्रणाम करो तो वही प्रणाम वगैरह कर रहे हैं, एंड भाभी से बात की है। और इधर जो है भैया लोग मिलके जो है यहाँ पर वो बना रहे हैं मंडप, जो कि मड़वा बोलते हैं ना वही मंडप बना रहे हैं, बंगाली में मंडप बोलते हैं, तो बस वही बना रहे हैं जो कि केला गाछ लगा कर इस तरीके से बना रहे हैं, और घर पे भी जितना भी शादी होता है ना मंडप बनाते हैं। अब चलते हैं मटकोर, एंड मटकोर में जो है देख सकते हैं बड़ी वाली मम्मी जो है इस तरीके से डांस कर रही है, एंड यहाँ पे है दुर्गा माँ की मंदिर, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम किए हैं सबको मिल के, एंड उसके बाद जा रहे पोखर के पास जहाँ पर पूजा करना है, और हम लोग बोलते हैं मटकोर हम लोग लैंग्वेज में, एंड जो है बंगाली में ना इसको बोलते जल काटते, मैंने जल काटना होता है मतलब पानी को काटना होता है, वो एक नियम है। तो बस जा रहे हैं सब कोई डांस करते हैं, बड़ की मम्मी जो है बहुत ही ज़्यादा डांस करेंगे, चुके हैं पोखर के पास जहाँ पे जाना है, तो रोड को क्रॉस करना था, इसी वजह से सब कोई शांत हो चुके हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आए पूजा करने के लिए। उधर लाइट मारिए, उधर लाइट मारिए, तो इस तरीके से भैया भी पूजा वगैरह क्यों कर रहे हैं, जो पोखर के पानी देते लोग वो इस तरीके से लेते हैं बॉडी पे छिट लेते हैं, और बस चाची भी बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो, और भैया को पन्ने को प्रणाम करने के बाद मम्मी को प्रणाम करती है, और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट वगैरह नहीं था इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा, तो मैं उसे भी वीडियो शूट किया था आप लोगों को दिखा पाऊँ, एंड पूजा होने के बाद सब इस तरीके से चाची ने सिंदूर पहना रही है, एंड सब भगवान को बनाने के लिए दीदी को जो तुम पहना देना।
जो कि इस तरीके से बैठ के हल्दी लगा रहे हैं। और हाँ, घर तो लोग दो ही रूम है जिसमें एकदम से सामान वगैरह रखकर जाम लग चुका था, तो इस वजह से इतना छोटा सा जगह में हल्दी लगाना पड़ा, तो बस वहीं पे लगा रहे सबको मिल के। और क्योंकि वो मेरा दो रूम जो है जो कि देखिए आप लोग मास्क लगा हुआ है छठ उसके बाद जो भाभी देखने रेडी हो चुकी है शीशा का लगा था ये, और मैं बैठ के अल्ट्रा लगा रही हूँ एंड कितना क्या लेना पड़ेगा द्वार से टाइम में वो सब सारा बातें वगैरह हो रहे थे। और हम नहीं अल्ट्रा लगा देखिए जल्दी जल्दी में, और जो आते ना लौनिया बोलते हैं वो नहीं आए थे एंड उसको बुला भी नहीं पाए थे। बहुत जल्दी जल्दी में शादी एक ही दिन में सब कुछ रेडी किया था, इसलिए मेरे सिस्टम दिमाग से उतर चुका था। और बस मैं इस तरीके से लगा दे रही है तो बस यहाँ पे बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं जो कि द्वार छिका में कितना क्या लेना है। और जो है इस साइड बैठे हुए हैं पापा बीच में एंड दाहिना साइड में जो है बड़े वाले पापा, और लेफ्ट साइड में है मझले पापा।